एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, एक 21 साल की भारतीय लड़की की हिम्मत ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। साथ ही इस लड़की ने उस रूढ़िवादी सोच को भी जड़ से हिला दिया कि हथियार चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है। एक बार 6 फरवरी 1932 को बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कॉन्वोकेशन में डिग्री बांटी। बिना दास को बीए की परीक्षा पूरी करके कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेनी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर तय किया कि डिग्री लेते समय वो स्पीच देने वाले बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को जैसे ही जैक्सन ने समारोह में अपना भाषण देना शुरू किया, बीना ने भरी सभा में उठकर गवर्नर पर गोली चला दी, पर बीना का निशाना चूक गया और गोली जैक्सन के कान के पास से होकर गुजरी। गोली की आवाज से सभा में अफड़ा तफड़ी मच गई। इतने में लेफ्टिनेंट को तुरंत ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीना दास सभी अखबारों की सुर्खियां बन गई कि कलकत्ता की ग्रेजुएशन कर रही एक छात्रा ने गवर्नर को मारने का प्रयास किया। इसके बाद बीना दास पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 9 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मुकदमे के बीना अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल करके अपनी दर्द सहने की क्षमता को जांचती थी। इतना ही नहीं, अन्य राजबंदियों के साथ बीना भी जेल से बाहर आई। उन्होंने 1947 में अपना स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से शादी की, लेकिन आजादी की लड़ाई में भाग लेती रही। अपने पति की मृत्यु के बाद वो कलकत्ता छोड़कर जमाने की नजरों से दूर ऋषिकेश के एक छोटे से आश्रम में जाकर रहने लगे। और ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी लेकर आ रहे हैं SS राजामौली जी अपनी अगली फिल्म RRR में, जिसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी की दोस्ती और ब्रिटिश राज के खिलाफ दिखाया गया है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं ऐसी कहानी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ।